आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीयू के बारे में। हम जानेंगे आईसीयू क्या होता है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जब भी किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है तो उसे आईसीयू में रखा जाता है, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तो उसे आईसीयू में ही रखा जाता है। और आईसीयू में कुछ इस तरह के उपकरण रखे होते हैं जो कि पेशेंट को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। समय समय पर पेशेंट को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन सभी उपकरण के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर वन है मल्टी पैरा मोनिटर। इसे हम वाइटल साइन मोनिटर, पेशेंट मोनिटर या फिर आईसीयू मोनिटर भी कहते हैं, और इसकी सहायता से हम पेशेंट के वाइटल्स को चेक करते हैं। यानी कि इसमें हम लगातार देखते रहते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स की क्या कंडीशन है, और उसी के आधार पर फिर डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। तो इन वाइटल्स में आते हैं ECG, पल्स रेट, SpO2, NIBP, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। तो इन सभी को इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर ECG का मतलब है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, पल्स रेट का मतलब है कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, SpO2 का मतलब है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, देन NIBP का मतलब है कि हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, रेस्पिरेशन मीन्स कि पेशेंट एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है या ब्रीथ लेता है, एंड टेम्परेचर मीन्स पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो हमें ये सभी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा इक्विपमेंट है सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम। तो ये हॉस्पिटल के ऐसे रूम में लगा रहता है जहाँ पर डॉक्टर बैठे रहते हैं और वो इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आईसीयू होते हैं और उसमें जितने भी वाइटल मॉनिटर्स होते हैं, तो उन सब की एक्टिविटी को इस पर दिखाया जाता है, जिससे डॉक्टर्स एक जगह बैठे बैठे सभी के वाइटल साइंस को देख सकते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और आईसीयू का तीसरा इक्विपमेंट है ECG मशीन। इसके द्वारा पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी का ग्राफ निकाला जाता है और उसे लगातार देखा जाता है। इससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद आईसीयू का अगला इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वेंटिलेटर। देखिए, जब भी पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता है या फिर उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सही से नहीं हो पाती है, तो उसे एक मशीन के द्वारा सांस दिया जाता है, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट की बाकी एक्टिविटीज़ सही रहती है, यानी कि उसका हार्ट सही से काम करता है और उसका माइंड भी सही से काम करता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता है, तो हम उसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं जहाँ पर उसे सांस दिया जाता है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है सिरिंज पंप। तो देखिए, एक पंप होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट को एक निश्चित मात्रा में मेडिसिन देते हैं। मान लीजिए हमें किसी पेशेंट को एक घंटे में 1 ml मेडिसिन देनी है, तो उसे हम इसी पंप में सेट कर देते हैं, जिसके द्वारा यह सिरिंज धीरे धीरे वर्क करती है और पेशेंट को एक घंटे में 1 ml या जितनी भी मेडिसिन देनी होती है उसी के अनुसार मेडिसिन देती रहती है। तो ये भी आईसीयू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण उपकरण है इन्फ्यूजन पंप। इसे हम वॉल्यूमेट्रिक पंप भी कहते हैं और ये कुछ हद तक सिरिंज पंप के समान ही होता है, क्योंकि इसका काम भी पेशेंट को एक निश्चित मात्रा में मेडिसिन देना होता है या फिर डिलीवर करना होता है। लेकिन यहाँ पर इससे कुछ ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि 20 ml, 30 ml। तो इसे हम पेशेंट के IV फ्लूड से जोड़ देते हैं, जहाँ पर पेशेंट को धीरे धीरे मेडिसिन मिलती रहती है। इसके बाद सातवें नंबर का इक्विपमेंट है बाईपैप मशीन। तो आप जानते हैं कि वेंटिलेटर के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है या फिर उसे उसकी ब्रीथिंग कराई जाती है। तो देखिए, ब्रीथिंग दो तरह से कराई जाती है, एक होती है इन्वेसिव और एक होती है नॉन इन्वेसिव। तो इनमें अंतर क्या है, इन्वेसिव के द्वारा पेशेंट के गले में एक पाइप डाला जाता है जिसके थ्रू उसे ऑक्सीजन दी जाती है, जबकि नॉन इन्वेसिव में उसे मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। तो बाईपैप मशीन इसी पर काम करती है, यानी कि इसके द्वारा हम मास्क लगाकर पेशेंट को बाहर से सांस देते हैं या फिर उसे ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। इसे हम वैक्यूम मशीन भी कहते हैं। इसका यूज़ पेशेंट के गले या फिर उसके फूड पाइप को साफ करने के लिए किया जाता है। कई बार पेशेंट के गले में या फिर उसके विंड पाइप में खून आ जाता है या फिर कोई और चीज़ फंस जाती है, जिसे निकालने के लिए सक्शन मशीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद पेशेंट सही से फिर सांस ले पाता है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है फुली ऑटोमेटिक आईसीयू 4-फंक्शन इलेक्ट्रिक बेड। तो देखिए, एक बेड होता है जिसपे पेशेंट को लिटाया जाता है, और ये कुछ इस तरह का बेड होता है। इसमें पेशेंट को हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, यानी कि उसके हम हेड को ऊपर कर सकते हैं या फिर हम उसके लेग को ऊपर कर सकते हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी आईसीयू में होना बहुत ज़रूरी होता है, कि कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, तो ये भी आईसीयू में आपको मिलेगा। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो देखिए, इसका काम वेंटिलेटर जैसा ही होता है, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, तो हमें कभी कभी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कई बार पेशेंट को हमें बाहर ही सांस देना पड़ता है, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, या फिर कभी वेंटिलेटर ख़राब हो जाता है तो हम इसे छोटे वेंटिलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद अगला इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। तो देखिए, इसके द्वारा हम पेशेंट की दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हम उसका पल्स रेट देखते हैं कि उसकी पल्स रेट कितनी है, और एक उसका हम SpO2 देखते हैं यानी कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। तो ये भी हॉस्पिटल्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है। देन यहाँ पर है ब्लड वार्मर। तो देखिए, जो ब्लड होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन हमें उसे पेशेंट को उसके बॉडी टेम्परेचर पर देना होता है। तो इस मशीन का काम होता है कि वो जो ब्लड होता है उसे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी ICU में पाया जाता है। इसके बाद ICU का अगला इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है डीफिब्रिलेटर मशीन। इसे हम डीफिब मशीन भी कहते हैं। देखिए, जब भी पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में, इस मशीन से पेशेंट को सोख दिया जाता है, जिससे उसका हार्ट दोबारा से काम करने लगता है। तो ये भी ICU का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर है ABG मशीन। इसे हम आर्टियल ब्लड गैस एनालाइजर भी कहते हैं, और इसका यूज़ इमरजेंसी में किया जाता है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे आर्टियल ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि हम इससे अपने ब्लड की गैसेस को देखते हैं। इसके बाद है यहाँ पर क्रैश कार्ट ट्रॉली। तो देखिए, एक ट्रॉली होती है जिसमें कई सारी मेडिसिन रखी होती है। कई बार हमें इमरजेंसी होती है और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि हमें तुरंत चाहिए होती है, तो वो सभी मेडिसिन हमें इसमें मिल जाती है। इसके बाद है यहाँ पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन। तो ये मशीन आपको मैक्सिमम ICU में देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चलती फिरती एक्सरे मशीन होती है। कई बार हमें इमरजेंसी में पेशेंट का एक्सरे लेना होता है, तो हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और पेशेंट का एक्सरे ले लेते हैं। इसके बाद है यहाँ पर डायलिसिस मशीन। देखिए, कई बार पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है या फिर वो सही से काम नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इससे हम पेशेंट के ब्लड को साफ़ करते हैं, उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन सभी को रिमूव कर देते हैं। तो ये भी ICU में पाई जाती है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है DVT पंप। इसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप भी कहते हैं। देखिए, कई बार पेशेंट के पैरों की वेंस में क्लोट जम जाता है या फिर ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसे रिमूव करने के लिए इस पंप का यूज़ किया जाता है। इस पंप के द्वारा हम पेशेंट के पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे वो थक्का खत्म हो जाता है। इसके बाद अगली मशीन है कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड मशीन। इसे हम सोनोग्राफी मशीन भी कहते हैं, और इसके द्वारा हम पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को चेक करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उसका ब्लड फ्लो किस तरह से हो रहा है, उसकी आर्टरीज और उसकी वेंस में किस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये भी ICU में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन होती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है IABP मशीन। इसे हम इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप भी कहते हैं। देखिए, जब भी पेशेंट का हार्ट सही से काम नहीं कर पाता या फिर ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाता है, तो इस मशीन का यूज़ करते हैं। इस मशीन में एक बैलून एक मशीन से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, जिससे वो ब्लड को सही से पंप कर पाता है। इसके बाद है मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम। आपने देखा होगा ICU में कई सारी गैस के सप्लाई सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सक्शन मशीन, तो इन सभी के पाए जाते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर इनका भी यूज़ किया जाता है। इन सभी बड़े इंस्ट्रूमेंट के अलावा ICU में कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्पिग्नोमैनोमीटर। इसके द्वारा हम पेशेंट के BP को चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप, एम्बुबैक, तो इसके द्वारा हम पेशेंट को ब्रीथिंग कराते हैं। इससे ब्रीथिंग कराने में पेशेंट को हेल्प मिलती है। लैरिंजोस्कोप, तो इंक्यूबेशन के समय इसका यूज़ करते हैं पेशेंट को सांस देने के लिए। इसके अलावा फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, इसके द्वारा हम पेशेंट का पल्स रेट और उसका SpO2 चेक करते हैं। देन नेबुलाइजर, इससे हम पेशेंट को हमें कोई मेडिसिन देनी होती है तो हम इसके द्वारा पेशेंट को वास्प के रूप में मेडिसिन देते हैं। ग्लूकोमीटर, इससे हम पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो चेक करते हैं। एंड निडल डिस्ट्रॉय, हमें कोई निडल को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसके लिए भी एक मशीन होती है जिसमें निडल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट का ICU में यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।